और अब खबर अलवर से है, जहां दोस्त के साथ खेत पर नहा रहा मासूम अचानक 100 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया है। कच्ची दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद आसपास चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर मासूम के पिता मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी है। मौके पर पहुंची राज्य आपदा प्रबंधन की टीम ने करीब एक घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सकुशल बाहर निकाला है। मासूम को फिलहाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ डॉक्टर्स की एक टीम उसकी जाँच कर रही है। तो 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था ये मासूम। फिलहाल जो है बच्चे को सुरक्षित बचा लिया गया है। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के कनवाड़ा गांव में, जहां पर एक 5 साल का मासूम गोलू एक बोरवेल के बगल में, यूं कहें कि छोटा कुई जो ग्रामीण क्षेत्र में कहते हैं कुआ, उसके बगल में एक झिरी थी। उस झिरी में करीब 15 से 20 फीट नीचे गिर गया था और करीब 2.5 घंटे तक रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद उस बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल उसकी स्थिति सामान्य है, लेकिन बात की जाए तो जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो वाली कहावत यहाँ देखने को मिली है कि एक बच्चा जिस झिरी में गिरा था कुएं के बगल में, वहां पर दो सांप थे। उस सांपों के बीच में 2.5 घंटे बच्चे रहा है, उसके बावजूद सांपों ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और सुरक्षित बच्चे को बाहर निकाल लिया गया है। किस तरीके से बच्चे को निकाला गया है और सर, वो साइड में झिरी थी, झिरी के साइड में वो बोर थी, बोर के अंदर कुइया थी, उसकी झिरी काटी थी, चूड़ी काट के फरमा काट के जब निकाला था बच्चे को। किस तरीके से रेस्क्यू हुआ, कब ये घटना हुई थी और किस तरीके से बच्चे को निकाला? ये सर 10 बजे के समथिंग बच्चा गिरा था इसमें, 10 बजे के बाद में इसको 12:30 बच्चे को निकाला गया है और अंदर से कुइया अंदर से जाके दो आदमी ने और उसको एक बार ग्राइंडर से काटा है, फिर वो छोटा काटा बच्चा नीचे रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा एक चूड़ी को काटा है, उसके बाद फिर उसको बच्चे को हाथ पकड़ के और कैसा है। राजेंद्र शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ, कनवाड़ा, लक्ष्मणगढ़, अलवर। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल।